नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वर्ष 2019 में जन्माष्टमी आखिर किस दिन मनाई जाएगी, 23 अगस्त को या 24 अगस्त को, व्रत किस दिन रखना होगा, दो दिन मनाई जा रही है इसका कारण क्या है, किस दिन किनको व्रत रखना है या रखेंगे। दोस्तों, ये सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा शैव और वैष्णव संप्रदाय के सभी वर्ग के लोग करते हैं। इसमें से कुछ उदया तिथि का पालन करते हैं तो कुछ सिर्फ मुहूर्त को ही प्रधानता देते हैं। वहीं किसी के लिए नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शैव संप्रदाय के लोग सबसे पहले जिस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं उस दिन अगले दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो जन्माष्टमी का व्रत उसी दिन रखना होता है, उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि हो, और ऐसा योग 23 अगस्त को ही पड़ रहा है। बट अगर बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो कुछ लोगों का कहना है कि रोहिणी नक्षत्र 23 अगस्त को रात्रि में शुरू हो जाएगी, बट कुछ लोगों का मानना है कि रोहिणी नक्षत्र 24 अगस्त को सुबह में लगेगी। तो उस दिन में 24 अगस्त को अष्टमी तिथि रात्रि में नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टमी तिथि 23 अगस्त को सुबह 8:09 से शुरू होकर 24 अगस्त को 8:32 सुबह तक ही रहेगी। इसलिए व्रत करना गृहस्थ लोगों को 23 अगस्त को ही व्रत रखना पड़ेगा या रखना चाहिए, और वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 अगस्त को व्रत रखेंगे, क्योंकि उन लोगों को अष्टमी तिथि में जिस दिन सूर्योदय होता है उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, गृहस्थ लोग शैव संप्रदाय के लोग 23 अगस्त 2019 को ही जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये उलझन समाप्त हो गई है कि आखिर 23 अगस्त को व्रत रखेंगे या 24 अगस्त को व्रत रखेंगे, किस दिन रखें। तो पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।